जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का दिनेश सराय टीम में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना, जो लाडली आवास योजना को यहाँ पर चालू हो गई है, उसके जो फॉर्म है वो कहाँ से आपको मिलने वाला है वो हमारे आपको इस यूट्यूब से मिल जाएगा। ठीक है, हम उसकी लिंक दे देंगे हमारे यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन। ठीक है ना, आवेदन आपको कहाँ पर आपको जमा करना है, कहाँ आपको आवेदन मिलने वाला है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं और लास्ट डेट क्या रहने वाली है, पूरा इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पहली बार आए, नए आए, तो आप लोगों से हमारा निवेदन है, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। अब देख, जो लाडली बहन है उनको यहाँ पर मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया था कि उनको जो आवास योजना मिलने वाले, तो यहाँ पर जो हमारे पास जो आवेदन वो हमारे पास प्राप्त हुआ। देखिए, ये रहेगा आवेदन, आपको यहाँ दिख रहा है मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना। ठीक है ना, यहाँ पे आपके ग्राम पंचायत का नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपकी जनपद पंचायत का नाम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा लाडली बहना का, आपकी आयु आ जाएगी, यहाँ पे आपके पिता पति का नाम आ जाएगा, आपका वर्ग आ जाएगा, आप पुरुष महिला बो जाए। ठीक है ना, यहाँ पे आपकी जो परिवार की वार्षिक आय है वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। परिवार में किसी सदस्य को पूर्व में आवास मिला है कि नहीं मिला, हाँ या ना लिखना है। ठीक है ना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। ठीक है ना, परिवार का प्रकार लिखना है उसका, वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा आपका संयुक्त परिवार है या एकाकी परिवार है। ठीक है ना, पति पत्नी जो भी रहते हैं वो बताना है। आपका आधार नंबर लिखना है, आपकी समग्र आईडी लिखनी है, आपका जॉब कार्ड नंबर होता है गांव वो लिखना है, आपका मोबाइल नंबर लिखना है, वर्तमान आवास की स्थिति बताना आपके पास है कि नहीं, एक रूम है, दो रूम है या बिल्कुल नहीं है वो आप बताना है। ठीक है, परिवार मुख्यमंत्री लाडली बहना का लाभार्थी है या नहीं है, उनके लिए जो जो परिवार में जो महिला लाडली बहना के जो हो चुकी हैं उनके लिए मिलने वाली। ठीक है, और ये रहेगा घोषणा पत्र, यहाँ पे आवेदक की सिग्नेचर लगाएंगे, नहीं महिला के, यहाँ पे उसका पूरा नाम आ जाएगा। ठीक है ना, और ये आपका आप मुख्यमंत्री लाडली आवास योजना की जो रहेगी आप जो आपकी जो रहेगा। ठीक है, तो ये भी आपको भरना पड़ेगा, आप पूरा नाम आ जाएगा, गांव का नाम, ग्राम पंचायत का नाम और प्राप्ति। ठीक है, ये आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको जो सचिव होंगे, ग्राम रोजगार सहायक होंगे, वो सिग्नेचर करके देंगे यहाँ पर। ठीक है, जनपद आपको ये मिलने वाली। ठीक है, अब इसमें क्या क्या जो कंडीशन है मैंने आपको बताई थी कि आवेदन कहाँ जमा करना, कहाँ मिलने वाला, पूरा देखिए यहाँ पर जो निर्देश पूरे लिखे हुए हैं यहाँ पर हम पूरा पढ़ लेते हैं। वीडियो वीडियो पूरा देखें ताकि आप लोग यहाँ पर हो पा। देखिए, पहला देखिए जो आवास जो पात्र रहेंगे, कौन कौन इसमें पात्र रहने वाले हैं। देखिए, पहला पक्की छत वाले मकान है अथवा दो या दो से अधिक कमरों वाले कच्चे मकान है निवारा सतहों। ठीक है ना, उनको यहाँ पर ये कंडीशन रहने वाली है। दूसरा, मोटर युक्त चार पहिया वाहन स्वामी हो। ठीक है ना, और परिवार या कोई भी शख्स शासकीय सेवा में ना हो। ठीक है, उसकी मासिक आय एक आपके 12,000 रुपये अधिक ना हो एक महीने की। ठीक है ना, परिवार का कोई भी शख्स आयकरदाता ना हो जो टैक्स दे रहा हो। ठीक है, उसकी जमीन 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि ना हो। ठीक है, तो ये कंडीशन यदि ये नहीं होंगी तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए और हम देख लेते हैं क्या। देखिए, सभी आपको जमा का करना वो भी यहाँ पर साफ लिखा लिखा हुआ। देखिए, फॉर्म भरने की प्रक्रिया, देखिए यहाँ पर योजना हेतु निर्धारित आवेदन फॉर्म जनपद पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों को यहाँ उपलब्ध करा देनी है। ये जो आपको फॉर्म मिलने वाले हैं वो आपके ग्राम पंचायत में आपको मिलेंगे, ये जो जनपद पंचायत उन्होंने दे दिए भेज दिए मतलब। ठीक है ना, दूसरा, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत ऐसी हितग्राही जो कनिका दो, यानी जो यहाँ पर लिखा हुआ मैंने आपको बताया पढ़ के, उसमें आप लोग करते हैं पालन, तो आप लोग बिल्कुल आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, और अब जब आप लोग फार्म बनेंगे तो रोजगार सहायक होंगे, सचिव होंगे, वो आपको प्राप्ति देंगे, वो आपको प्राप्ति रखनी है। ठीक है, जिस तरह आपने लाडली बहना की प्राप्ति रखी थी। दूसरा, आपको क्या क्या लगने वाला है, तो समग्र आईडी लगेगी, आधार नंबर लगेगा, बैंक का खाता लगेगा, जॉब कार्ड लगेगा। ठीक है, यदि हो तो लाडली बहना का पंजीयन क्रमांक आपके पास होगा वो लगेगा। ठीक है ना, और आपको सभी ये स्वयं प्रमाण आपको करना पड़ेगा, नहीं सेल्फ अटेस्ट आपको साइन करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, ग्राम पंचायत में प्राप्त होने वाले सभी आवेदन पत्रों की सूची प्रतिदिन, यानी जितने ही मान लो एक ग्राम पंचायत में 5 आवेदन आते हैं तो उनकी सूची प्रतिदिन जो कंप्यूटर पर जो जनपद पंचायत होगी आपको वहाँ मतलब जनपद पंचायत ग्राम पंचायत वाले जनपद पंचायत को भेज देंगे। ठीक है ना, दूसरा, जनपद पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत से प्राप्त होने वाली सभी आवेदन पत्रों को आपको जो पोर्टल है उनका PM.NI इस पर वो लोग चढ़ा देंगे मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का। ठीक है, वहाँ पर पंजीकृत हो जाएगा। दूसरा, आप यहाँ पर देखिए, बहुत अच्छे समझा रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए और वीडियो को लाइक जरूर करते जाइए आप लोग। ग्राम पंचायत द्वारा आपका जो प्रारंभ है वो 17 सितंबर प्रारंभ होगा, यानी 17 सितंबर से आप लोग जो आवेदन है आवास के वो फार्म भर सकते हैं, और ये चलने वाले हैं 5 अक्टूबर, यानी जो लास्ट डेट है 5 अक्टूबर तक आप लोग आवेदन जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आप लोगों के लिए, बहुत टाइम आप मिल रहा है। आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने की अंतिम तिथि जो रहेगी वो 1 सप्ताह के अंदर प्रत्येक मुख्य मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जनपद पंचायत को यहाँ पर आवेदन पत्रों की जो पंचायत सूची है वो यहाँ पर दे दी जाएगी। ठीक है ना, दूसरा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जनपद पंचायत, ठीक है, यहाँ प्राप्त सूची
परीक्षण यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो ये उनकी कंडीशन रहने वाली, आप लोग कुछ नहीं करना, ठीक है ना। अब बहुत देख लेते हैं आगे क्या कंडीशन रहने वाली। देखिए यहाँ पर देख बता दूँ, जो इन्होंने यहाँ पर बता दी, ये लेटर रहने वाला, जो लेटर जारी हुआ 14 सितंबर को, यहाँ पर लेटर जारी किया गया विभाग आयुक्त कार्यालय भोपाल मध्य प्रदेश का, ये लेटर जारी हुआ है, ठीक है। ये लेटर गया है समस्त जिलों को, ये लेटर गया है समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायतों को, लेटर गया है। इसमें बताया कि मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना अंतर्गत हितग्राही के चयन संबंधी जो निर्देश है वो यहाँ पर बता दिए उन्होंने कि क्या क्या निर्देश रहने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जो आवास है प्लस जो एप पोर्टल चल रहा है उस पर पंजीकृत करवाना पड़ेगा इनको, ठीक है ना। दूसरा, भारत सरकार के MIS पोर्टल पर दर्ज होने की छूट भी चिन्हांकित है, ठीक है। ऐसे परिवार जो सामाजिक आर्थिक और जातिगत गणना 2011 में हुई थी एवं आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं है, यानी इन देखो उन्होंने बताया कि ऐसे परिवार जो सामाजिक एवं जातिगत जनगणना 2011 एवं आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं है तथा उन्हें केंद्र राज्य की किसी भी आवास योजना का लाभ नहीं मिला हुआ है, ऐसे संलग्न की यहाँ पर सूची बनाई जाएगी, ठीक है, पूरा मापदंड है। तो ये रहेगा फॉर्म, इसका जो फॉर्म रहेगा, आप लोग बोलोगे सर फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो हम ये आपको हालांकि ग्राम पंचायत से मिल जाएगा, लेकिन यार आप लोग चाहते हैं तो ये फॉर्म हम दे देंगे हमारे वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें दिनेश सर IT, ठीक है, बगैर स्पेस के, तो आप लोग वहाँ से ही मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। ओके थैंक्स।